हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो है टाटा हैरियर का होने वाला है और टाटा हैरियर फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है। आपको सबसे पहले एक मैं बात बता दूं, ऐसी कोई भी गाड़ी मार्केट में नहीं है जो कि 15.5 लाख रुपए की गाड़ी में क्या क्या चीजें ऑफर करती हैं, इस तरीके के लुक आपको ऑफर करती है। रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म में ये बनी हुई है, तो भाई कोई भी मार्केट में कंपटीशन नहीं है जो ये चीजें आपको ऑफर कर सकते। तो फिलहाल ये है टॉप वेरियंट जो कि आपको 24.5 लाख रुपए का पड़ता है एक शोरूम, और ऑन रोड की बात करें तो 29 लाख के आसपास आपको दिल्ली ऑन रोड पड़ जाएगा। ये तो इसमें क्या क्या चीजें ऑफर होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका लाइट देख सकते हैं जो कि DRL कनेक्टिंग हो चुकी है, ये भी DRL है और ये सिमिलर इसके साथ इंडिकेटर भी आता है। पहले के मुकाबले इसकी जो ग्रिल है उसको थोड़ा सा आगे कर दिया गया है और यहां पर टाटा का लोगो इसके साथ आ गया, और ये जो ग्रिल है जिसमें सिल्वर एलिमेंट से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इसको बना रहा है। और आप इसकी फ्रंट लुक देख सकते हो, इसको बहुत ही ज्यादा मैचो ये बना रहा है। पहले से ये मेरी फेवरेट गाड़ी थी, लेकिन जब से ये फेसलिफ्ट आया है ये और भी ज्यादा अच्छी मुझे लगने लगी है। प्लस इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है और कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है, HD कैमरा इसके अंदर आ गया है। 2 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में भी आपको मिल जाएंगे। बात करें इसकी हेडलाइट्स की तो LED सेटअप मिलेगा आपको, जो कि ये प्रोजेक्टर और नीचे जो है फॉग लैंप्स हैं, और ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा अच्छा थ्रो भी इसका है। तो नाइट में अगर आप ड्राइविंग करोगे तो ये आपको अच्छे से विजन देगा। वहीं अगर इसके ओवरऑल लुक की बात करेंगे तो आप इसका ओवरऑल लुक भी एक बार देख सकते हो, काफी ज्यादा मैच हो ये लग रहा है। भाई अगर इसके मेन राइवल्स की बात करें तो XUV700 इसका मेन राइवल है, और उसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके अंदर पेट्रोल इंजन भी आता है, इसके अंदर केवल 2 लीटर का डीजल इंजन आता है। वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइलिंग में इसके अलॉय व्हील्स आते हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं, और इनका टायर साइज 18 इंचेस का है, ब्रिजस्टोन के टायर आते हैं। और अगर इसके प्रोफाइल की बात करें तो 235/60R 18 इंचेस के इसका प्रोफाइल आता है टायर साइज का। और ओवरऑल लुक अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइलिंग है। वहीं इंडिकेटर जो है वो इसके ORVM में आते हैं, और 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट भी यहीं पर दी हुई है। साथ में यहाँ पे हैरियर की बैजिंग भी दी हुई है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। मुझे लगा नहीं था ये इतना अच्छा लगेगा, और ये कलर भी मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। प्लस अगर एंट्री करोगे तो यहाँ पे इसके कीलेस एंट्री आती है, की को आप पॉकेट में रखोगे और प्रेस किया और ये डोर आपका खुल जाएगा। अब डोर भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 90 डिग्री इसका डोर खुलता है ताकि ये किसी भी तरीके के बैठने में या यहाँ से उतर के गाड़ी से उतरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि भाई इसके अंदर मेमोरी सीट्स आती है जो पहले भी आती थी, 1, 2, 3 लेवल्स है, और वेंटिलेटेड सीट्स जो पहले भी आती थी, और सीट की कुशनिंग बहुत ही जबरदस्त है और वेंटिलेटेड सीट्स है, और लेदर रैप्ड आपको ये मिल जाएगी। प्लस वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्टमेंट आता है, चाहे उसकी हाइट को एडजस्ट करना हो, चाहे इसके क्रस्ट को एडजस्ट करना हो, वो सारी चीजें यहीं पर आती है। आप अंदर चलते और अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें ऑफर होती है। भाई सबसे पहले अगर ये येलो कलर की गाड़ी है तो उसी तरीके का एलिमेंट आपको धीरे धीरे सब जगह पे दिया हुआ है, जैसे कि आप इसके इंटीरियर में डैशबोर्ड में देख सकते हो, इसके सेंटर का पैनल में देख सकते हो, और वहीं इसके डोर में भी देख सकते हो हैंडल्स में। प्लस स्टिचिंग वगैरह भी दी हुई है, जैसे ये लेदर है और लेदर के साथ साथ ये स्टिचिंग दी हुई है जो कि येलो ही कलर की है। प्लस जो सीट्स हैं उसके अंदर भी ये येलो कलर की स्टिचिंग आपको मिल जाएगी। तो ये येलो एलिमेंट एक इसके अंदर दिया गया जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है, थोड़ा नया सा है। प्लस अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीटली डिजिटल है, जैसा कि नेक्सॉन में भी आया था और सफारी में भी आपको यही मिलेगा। तो सामने देखने वाली बात यह कि जितनी भी चीजें हैं आपको कंप्लीटली डिजिटल, मतलब स्पीड की बात करोगे यहां पर मिल जाएगी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में RPM, बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, TPS, फ्यूल लेवल, कितना चलेगी, कितना एवरेज दे रही है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, सब A to Z इन्फॉर्मेशन। प्लस इसमें वॉइस असिस्ट आता है, तो वॉइस असिस्ट का मतलब, कहने का मतलब यह कि अगर कुछ भी आपको कंट्रोल कराना है, फॉर एग्जाम्पल कमांड क्लोज सनरूफ, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ भी आपको कमांड देनी है तो आप गाड़ी को यहां से वॉइस कमांड से भी दे सकते हो। और कहने की बात यह कि इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो वही एलिमिनेटेड वाला है, राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल और उसके ऑप्शंस वगैरह मिलेंगे जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। लेफ्ट हैंड साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के और कंट्रोल्स मिलेंगे, और 12 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो कि काफी ऐसा लगता है जैसे LED लगा दिया, और इसका टच वगैरह काफी अच्छा है। आप इसको अगर इसका फील काफी अच्छा है, JBL के स्पीकर साथ में मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, और भी ज्यादा अच्छी हो गई है, पहले से ही अच्छी थी और भी ज्यादा अच्छी हो गई। प्लस यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि A to Z यहाँ पर जो है वो डिजिटल हो गया और ये टच है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फैन स्पीड ऑन एंड ऑफ करनी है, बढ़ानी है, लाइट्स की लेवलिंग,
आपका पार्किंग के बटन को प्रेस करना है तो देखिए थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा आपको, बूट को अनलॉक अगर करना है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है तो वहीं पे सारी चीजें ये मिल जाएगी। 360 डिग्री कैमरा के भी बटन यहाँ पर है, आप इसके 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। 3D में भी अगर आप देखोगे तो भी आपको क्लियर दिखेगा, जिसके कैमरा जितने भी है वो सारे HD में आते हैं और 8 डिफरेंट एंगल्स में आप इसको देख सकते हो। प्लस यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिलेगा तो अपने फोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाएंगे, सी टाइप और नॉर्मल जो USB पोर्ट आता है वो भी। बाकी यहाँ पे डायल दिया गया है जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और डिजिटल है ये भी, और इसके रफ मोड, हिल मोड, वेट मोड, तो इस तरीके से ये यहाँ पे ये मोड्स देखो, जैसे ये चेंज करूंगा वो चेंज हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो इसके तीन मोड आते हैं, यहाँ पे सिटी इकोनॉमी ड्राइव, इकोनॉमी दोबारा दबाओगे तो सिटी ड्राइव मोड देखिए बोल भी रही है। प्लस यहाँ पे ये इसका स्पोर्ट्स मोड है और ये हिल डिसेंट कंट्रोल है, तो अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल ये ऑन हो गया है। और फिलहाल इसका जो ऑटोमेटिक है ये, तो ऑटोमेटिक के अंदर जो लीवर है जिस तरीके का रेंज रोवर के अंदर आता है उसी तरीके का है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड। बाकी इलेक्ट्रिक जो है वो इसका हैंड ब्रेक आता है, यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे तो लग जाएगा, और यहाँ पे ऑटो होल्ड भी इसके अंदर आता है। बाकी दो कप होल्डर्स हैं, दो अगर आप कप्स रखना चाहते हो वो है। प्लस इसका जो आर्मरेस्ट है वो भी काफी अच्छा है, वही लेदर का है और आपको येलो कलर के जो है स्टिचिंग इसके अंदर मिल जाएगी। प्लस ये आर्मरेस्ट है जिसके अंदर स्पेस है वो कूल्ड आता है, तो आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह अगर रखना चाहते हो, हालांकि ज्यादा स्पेस नहीं है, कैंस ही आ पाएंगे या छोटी बोतल्स ही आ पाएंगी, बट लेकिन ये जो भी जितना भी है वो कूल्ड है। प्लस यहाँ पर USB पोर्ट भी आपको मिल जाएगा और 12 वॉट का सॉकेट भी इसमें मिल जाता है। प्लस वो कंटिन्यू किया गया है कि भाई यहाँ पे जो है स्पेस तार को लाने के लिए, ताकि अगर वायर आपकी है तो वो आप यहां से ला सकते हो और उसको फिर भी बंद कर सकते हो। अब अगर बात करें इसके डोर पैनल की, तो डोर आप देख सकते हो ये सिल्वर कलर का इसका हैंडल होगा और ये लेदर है पूरा और ये प्लास्टिक है, वही येलो कलर का जो है इसमें एलिमेंट है, ये पियानो है और वही 1 लीटर की बॉटल यहाँ फंस जाएगी, थोड़ा बहुत स्पेस है, अम्ब्रेला रखने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस है। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स भी आपको नॉर्मल ही मिलेगा जैसा पहले आता था, तो यहाँ पे आपको मिलेगी स्पेस, थोड़ा सा और स्पेस, दो कंपार्टमेंट्स है डिफरेंट और लाइट भी आपको मिल जाएगी। बाकी कूल्ड ग्लव बॉक्स ये नहीं है, आपको कूल्ड सफारी में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। फिलहाल इसको करते हैं बंद। सेंट्रल पैनल काफी अच्छा है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है पहले से। IRVM की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, सनरूफ मिल जाएगा बड़ा सा, और यहाँ पे जो है वो आप इसमें लाइट्स भी आ गई है जिसको आप इंटीरियर लाइट्स बोल सकते हो, दोनों तीनों साइड में। बाकी व्हाइट कलर की इसके अंदर लाइट मिल जाएगी, और एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो चीज मुझे लग रही है वो यहाँ पर इसकी एम्बिएंट लाइट है, जिसको आप तीनों को अलग अलग कलर्स में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मूनलाइट है, इसको आप कलर जो भी चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये रेड की तरफ कर दिया तो यहाँ आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया, और अगर मैं दोबारा से इसको इस तरफ करूंगा, जैसे मतलब ब्लू करना है मुझे तो ये ब्लू हो गया, तो ये कलर भी आप इसकी लाइट्स वगैरह का चेंज कर सकते हो। बाकी रूफ की लाइट को ऑन ऑफ भी यहां से कर सकते हो, मून लाइट, फ्रंट लाइट, तो काफी सारे फीचर्स आपको ये यहाँ पे देता है। ऑटोमेटिक एडजस्टेड ORVM इसके अंदर मिल जाएंगे, जो काफी अच्छा, काफी बड़े से हैं, जो काफी अच्छा रिव्यू आपको देंगे। प्लस यहाँ पे अगर जैसे इंडिकेटर आप दोगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी ये सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर 360, तो वो बता देंगे। जैसे मान लो आपने इंडिकेटर दिया तो ये आपको लेफ्ट और राइट, राइट का इंडिकेटर दिया तो ये कैमरा भी ऑन करके दे देता है, विच इज अ वेरी गुड पार्ट। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ये मस्ट हैव फीचर्स होना चाहिए, जो कि आपको हैरियर के अंदर मिल जाता है। अब पीछे चलते हैं, तो पीछे जब चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर में वही लेदर रैप्ड है, ये प्लास्टिक है, वही आपको येलो एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, पियानो फिनिश भी आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप अंदर चलेंगे आप देखेंगे स्पेस की कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, बहुत ज्यादा लेग रूम है, और अगर तीन लोगों के बैठने की बात करोगे तो भी आप बहुत ही प्यार से आराम से इसमें बैठ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप देख सकते हैं इंटीरियर जो है वो इसका कंप्लीटली ब्लैक है, इसका रूफ कंप्लीटली ब्लैक है, बस ये येलो एलिमेंट्स थोड़े थोड़े दिए हुए हैं जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और AC वेंट्स आपको यहीं पर मिल जाता है जैसा पहले मिलता था, और JBL के स्पीकर्स आ गए हैं जिसकी मैंने बताई दिया है आपको, और JBL के स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, मतलब पहले जो नेक्सॉन की क्वालिटी थी उससे भी ज्यादा अमेजिंग ये हो चुके हैं। प्लस मैन्युअली एडजस्टेड सन शेड इसमें आते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको लगेगी, इसको देखने पे आपको लगेगा कि कुछ बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, चाहे आप इसके कॉर्नरिंग की बात करेंगे, चाहे इनके मिडिल की बात करेंगे, तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव या काफी ज्यादा सुंदर ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी सीट की कुशनिंग पहले जैसी ही है, काफी ज्यादा अच्छी है, थोड़ा सा उठा हुआ है ताकि आपके थाइस को सपोर्ट कर सके अच्छे से, और लॉन्ग जर्नीज पे भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट ये कर सके। हम थोड़ा सा हालांकि है इसमें, बट आई डोंट थिंक वो इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे USB और सी टाइप दोनों ही आपको मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है जब आपको अपना मोबाइल चार्ज करना पड़े। बाकी डोर की बात करें तो वही सिल्वर
सिल्वर कलर का क्रोम है और यहाँ पे पावर विंडो का स्विच है, येलो एलिमेंट और पियानो फिनिश, लेदर है यहाँ पे और ये प्लास्टिक है, वही फोन रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस और यहाँ पे बॉटल रखने के लिए स्पेस है, नीचे भी थोड़ा बहुत स्पेस है जिसको आप यूज कर सकते हो। बाकी आर्मरेस्ट भी इसमें मिल जाता है, आर्मरेस्ट में आपको दो कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा प्रीमियम है। और एक बहुत अच्छी बात और एक बुरी बात भी, बुरी बात यह कि सिर्फ दो ही इसमें हेडरेस्ट आपको मिलेंगे दो, और अच्छी बात यह कि दोनों ही एडजस्टेड है प्लस एक्स्ट्रा कंफर्ट के साथ आपको आते हैं। देखिए ये एक्स्ट्रा कंफर्ट इसको दिया हुआ है, तो अगर आप बैठना चाहते हो तो आपके हेड को अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और मेरी हाइट 5'7" है, उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा खासा हेडरूम भी मुझे मिल रहा है, कम से कम 5 से 6 इंच का हेडरूम मुझे मिल रहा है, तो हेडरूम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 फीट अगर आपकी हाइट है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसमें बैठ सकते हो। बाकी लाइट्स आपको मिल जाएंगी पीछे भी, रीडिंग लाइट्स दोनों ही साइड्स में, तो आप इसको मैन्युअली यहां से भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अब चलते हैं रेयर में, और रेयर में आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें ये ऑफर करती है। फिर की रेयर लुक की बात करें तो आपको सबसे पहले शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा, स्टॉप पॉइंट लाइट मिल जाएगी, स्पॉइलर आपको मिल जाएगा, इसके अंदर डिफॉगर मिलता है, वॉशर भी मिल जाएगा और वाइपर भी मिल जाएगा। और ये इसका ओवरऑल लुक है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, मेरे को पहले से भी काफी अच्छा लगता था और अब जब से ये कनेक्टिंग लाइट आ गई है और भी ज्यादा अट्रैक्टिव इसको बना दिया। बाकी यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर भी इसके लाइट है, ये रिफ्लेक्टर्स नहीं है, यहाँ पे ये लाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो है नीचे स्पॉइलर दिया हुआ है और दो पार्किंग सेंसर्स भी इसके अंदर आते हैं, 360 डिग्री कैमरा का रियर कैमरा भी इसमें आता है जिसकी क्वालिटी मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। प्लस इसका टेलगेट ओपन करने के लिए सेंसर आ चुका है, तो जब आप पैर यहाँ पे घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली ये इसका गेट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये था टाटा हैरियर फेसलिफ्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको ये कलर या टाटा हैरियर के बारे में क्या सोचते हैं आप, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।